तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम वाराणसी के एक महत्वपूर्ण स्थान पर आया हूं, जिसका नाम है रविदास घाट का नज़ारा दिखाता हूं और गंगा जी का भी दर्शन कराता हूं। दोस्तों बने रहें, आप हमारे ब्लॉग में आइए, आपको दर्शन कराता हूं। दोस्तों सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, यह रविदास पार्क के पीछे साइड वाला भाग से यह गेट बनाया गया है, जो कि रविदास घाट में एंट्री कर सके। तो आइए हम एंट्री करते हैं। और यह सामने जो देख रहे हैं, यही रविदास घाट है जो नया तैयार किया गया है। कितना सुंदर और स्वच्छ बनाया गया है। और यहाँ पर शाम को बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों रविदास घाट वाराणसी का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा घाट है। वाराणसी के अधिकांश आगंतुकों के लिए यह 25 एकड़ के पार्क के साथ रविदासियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान होने के लिए जाना जाता है, जिसे संत रविदास स्मारक पार्क के रूप में जाना जाता है। वाराणसी शहर से लगभग 13 किलोमीटर की ड्राइव पर है। यह स्थान गुरु रविदास के भक्तों द्वारा धार्मिक पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है। संत रविदास घाट उन घाटों में से एक है जहां अक्सर मनोरंजन के लिए और देव दीपावली और गंगा महोत्सव जैसे त्योहारों के दौरान लोग आते हैं और यहां आकर खूबसूरत रंग बिरंगी पार्टी करने वाले क्रूज जहाज भी देख सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं और माँ गंगा का दर्शन और डुबकी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर घाट और स्वच्छ वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आज बारिश होने के कारण आज श्रद्धालु और दर्शक कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संध्या होने वाली है। और सामने जो देख रहे हैं, यह क्रूज जो लगा हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय गंगा मैया।